हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। आज हम बात करने वाले हैं बैंक रेट की। जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आरबीआई के क्रेडिट कंट्रोल के, उसमें लास्ट इंस्ट्रूमेंट हमने लिया है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होती है? इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू रेपो रेट। बैंक रेट वो ब्याज की दर है, वो इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। कैसे लोन देता है? लॉन्ग टर्म्स। रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन्स देता था, यहाँ पे कैसे लोन देता है? लॉन्ग टर्म लोन्स। इसको हम रेफरेंस रेट भी कहते हैं। रेफरेंस रेट क्यों है? क्योंकि जब आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को बैंक रेट पे, कमर्शियल बैंक जब अपने कस्टमर को मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, तो वो जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से, वो इस बैंक रेट को ध्यान में रख के ही चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कि 10% है बैंक रेट, ठीक है? मतलब अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन लेना है तो कितने परसेंट ब्याज देना पड़ेगा लोन पे? 10%, ठीक है? अब वो आगे अपने कस्टमर को जब लोन देंगे तो कितना परसेंट पे देंगे? 12% पे या 13% पे या 14% पे? ये तो बात बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई 10% पे तो नहीं देंगे, क्योंकि वो भी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। अब आरबीआई को अगर ये लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, क्या है मार्केट में? इन्फ्लेशन है, तेजी है, ऑलरेडी मनी की सप्लाई ज़्यादा है, तो आरबीआई क्या कोशिश करेगा कि मार्केट से मनी की सप्लाई कम की जाए, तो वो बैंक रेट को बढ़ाकर 12% कर देगा। यानी कमर्शियल बैंक्स के लिए अब लोन लेना महंगा हो जाएगा आरबीआई से, तो कमर्शियल बैंक भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं, वो बढ़ा के कितना कर देंगे? 14%। इसलिए कस्टमर लोन लेना कम करेगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर डिप्रेशन हो मार्केट में, मंदी हो, तो आरबीआई क्या करेगा? इसको 10% से 8% कर देगा। अब 8% कम करने से क्या होगा? कमर्शियल बैंकों सस्ते लोन मिलेंगे, वो अपने कस्टमर को भी ब्याज की दर कम कर देंगे। पहले 14% था, अब कितना कर दिया उन्होंने? 10%। इससे सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाएगी। इसका वर्किंग मैकेनिज्म समझने के लिए हम इस फ्लो चार्ट को यूज़ करते हैं। अगर इन्फ्लेशन हो कंट्री में, तो आरबीआई क्या चाहता है? मनी की सप्लाई को डिक्रीज करना, इसलिए वो बैंक रेट को क्या करेगा? इंक्रीज, इंक्रीज इन बैंक रेट। इससे क्या होगा? कमर्शियल बैंक को लोन लेना महंगा पड़ेगा, कॉस्टली लोन हो जाएंगे। जब उनको ही कॉस्टली मिलेगा, तो वो अपने कस्टमर को भी लोन क्या करेंगे? कॉस्टली देंगे, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर मार्केट में डिप्रेशन हो, तो आरबीआई क्या करेगा? इस बैंक रेट को डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने से कमर्शियल बैंक्स को लोन सस्ते मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे तो वो अपने कस्टमर को चीप लोन देंगे, जिससे सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी और डिप्रेशन कंट्रोल हो जाएगा। एट प्रेजेंट जो बैंक रेट है वो 4.65% है। और एक चीज़ आपको याद रखनी कि बैंक रेट वेरी मच सिमिलर है रेपो रेट के, लेकिन डिफरेंस क्या है कि रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन देता है आरबीआई कमर्शियल बैंक को, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन देता है बैंक रेट पे, ठीक है? और वहाँ पर कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर होती थी, यहाँ पे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर नहीं होती है। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।